मम्मी आप चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुम्हारे और हमारे बीच कमाल का साथ है ना। अब देखो ना, सिमी रमनवीर जी के साथ सो गई और तू राज का अच्छा दोस्त था, है ना? उस हिसाब से गुंजन और मैं जाके पूछना उसको, क्योंकि जितनी फास्ट वो है ना उस हिसाब से तो शायद वो मान जाए। हाँ? और एक बार उसको बोलना कि अगर उसकी कोई ख्वाहिश तमन्ना हो, बाजवाओं का दरवाजा खुला हुआ है। बड़े मर्द रहते हैं वहां। रोहन बाजवा, खुद तो बाजवाओं का छोड़, खुद अपने गिरेबान में झांक के देख ले। जो आदमी बिना बोतल के खड़े नहीं रह सकता, चार कदम नहीं चल सकता, वो मर्दानगी का दावा करते अच्छा नहीं लगता। ए! बन्ना! नहीं भी है, ये मत करना था, पीछे जा। ओए तू हट, मैंने आज इसे मर्दानगी दिखानी है। आज छोके तो दिखा। पीछे पीछे बोला ना। मैं छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। ओए छोड़ो, आजा। क्या कर लेगा? मन्नू मन्नू छोड़ यार, उनको छोड़, तू 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 पीछे हो। ओए मैं आजा लगाता हूं। मैं चुप कर बता रहा हूं। हाथ लगा के दिया, समझता है आप? सब आजा इधर। आप चला भी मन्नू, तू जानता है ना यार रोहन कैसा है? हाँ, जानता हूँ, अमीर बाप का शराबी बेटा। इसीलिए कह रहा हूँ छोड़ यार उसको, वो वैसा ही है। खुद रुक जा, मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। मन्नू तू पागल है, पहले भी पंगे हुए ना, फिर से पंगा करना चाहता है क्या तू? तू शांत रह, मैं सब संभाल लूंगा। तू यहीं रुक, समझा? यहाँ से हिलेगा नहीं। राजवीर को कैसे पता चला कि ये रोहन है? और पहले भी बड़ी लड़ाई हुई है हमारे परिवारों के बीच, तो कौन सी लड़ाई की बात कर रहा है ये? ये सब क्या हो रहा है? राजवीर ने हरजीत बाजवा की पगड़ी गिरने से क्यों बचाई? और उस दिन भी जिस तरह उसने उस सपाहिस बच्चे को बचाया, रोहन और हरजीत से झगड़ा मोल लिया, और कुछ तो है जो राजवीर को रात से जोड़ रहा है। छिपा के किससे मिलने जा रहा है? पता लगाना होगा। एक देसी। अरे मनुषा जी, आप यहाँ?
आप मेरी मदद करोगे? जी बोलिए। मैं बाजवाओं का क्या हूँ? क्या हूँ मैं? शराब चाहिए मुझे। शराब सबको मार डालूंगा, सबको। अरे रोहन पाजी, बोतल खत्म हो गई? कोई गल नहीं पाजी, इत्थे आओ, इत्थे हमारे साथ बैठ के पी लो। अरे ये तो उड़ गई। अरे भाई लोग, ये तो कुत्ता बन गया। एक काम कर, तू कुत्ते की तरह चल के दिखा, फिर ये मिलेगा तेरे को। देख दारू, दारू दे दो, थोड़ी दे दो मुझे। चला आई दार ले। आज सच्चाई तक पहुंचने के लिए ऐसी हरकत करनी पड़ रही है। माफ करना बाबा जी, राजवीर कभी भी यहाँ से गुजर सकता है। आज उसकी सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। राज बाजवा। मेरा दोस्त, मेरा यारा, इसका इंतजार मैंने 10 साल पल पल किया और हर सांस में सोचा कि काश मेरा यारा मेरे साथ होता। ये सोचा कि जब मेरा यारा आएगा तो उससे लिपट जाऊंगा और पूछूंगा कि मैंने छड़कर कहाँ चला गया। और आज ये राज बाजवा मुझे को धोखा देकर मेरे घर में रह रहा था। क्यों? क्योंकि मेरी बहन का रिश्ता तोड़ सके। क्यों? क्योंकि एक बाजवा एक पवनिये के साथ दुश्मनी निभा सके। क्यों राज, क्यों किया तूने ऐसा? मैं रब से दिन रात मांगता था कि मेरा यारा मुझे लौटा दो, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा यारा ऐसे लौटेगा। मेरा दुश्मन बनकर लौटेगा। मेरी बात सुन तू। 10 साल बाद मिले मन्नु और राज, और फिर बढ़ गई दोनों में दूरियां। दोस्ती और गलतफहमी में होगी किसकी जीत? राज सच कह रहा था, वो धोखा नहीं दे रहा था। क्या प्रीत कम कर पाएगी मन्नु और राज के बीच की दूरियां? दोस्ती धोखा नहीं देती, गलतफहमियां धोखा देती है। क्या मन्नू का ये सच कर देगा इन्हें हमेशा के लिए अलग? तुम क्या क्या जानती हो मन्नू के बारे में? जानने के लिए देखते रहिए वारिस।